मेरी बहू दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मैं बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो वह बिल्कुल ठीक थी। मैं दम भी करवाने लेकर गई थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे अब अपने बेटे पर शक रहने लगा था, जो रोज रात को जरूरी से अपनी पत्नी को पानी का गिलास पिलाता और बाहर किसी सुनसान जगह पर ले जाता। एक दिन मैं चुपके से उसका पीछा किया और जो कुछ सामने देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह दोनों तो मेरे बेटे की जैसे ही शादी हुई तो बहुत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि डॉक्टर ने सारा टेस्ट भी कर लिए और वह बिल्कुल ठीक थी। अब मैं उसे अपने साथ अलग-अलग जगह पर बाबा के पास ले जाने लगी, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा नाम ललिता है, मेरा एक ही बेटा है संतोष। मेरे पति की 3 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। हम एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखते थे। मैंने दिन रात अपने बेटे को पढ़ाया। मेरा बेटा अपना बिजनेस करने लगा। वह कोशिश करता, लेकिन उसका कोई कारोबार ज़्यादा नहीं टिकता। मुझे भी मायूसी होने लगी, लेकिन मेरे बेटे ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत जारी रखी। एक दिन मैं अपनी बहन उषा के घर से वापस आ रही थी। मेरा गुजर एक वीरान और सुनसान रास्ते से हुआ। मैं भी अपने घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी तो किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने वहाँ देखा, कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं डरते डरते आगे बढ़ी तो देखा, कोई लगभग 21 साल की लड़की है जो अपना चेहरा घुटनों में छुपाए रो रही है। मैं पहले तो डर गई कि कहीं ये लड़की पागल तो नहीं है। मैंने उसे पुकारा और बोली, बेटी, रात के वक्त तुम इस वीराने में क्या कर रही हो? मेरी बात पर उसका वजूद में हरकत हुई। लड़की ने चेहरे से नकाब हटाया और बेहताशा रोने लगी। मैंने उससे चुप कराने की कोशिश की और सारी बात पूछने लगी। उस लड़की पर मुझे बहुत ही तरस आ रहा था, जो रात के इस वक्त अकेली इतनी सुनसान जगह पर मौजूद थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उससे उसके घर वालों का पूछा तो वे रोते हुए बोलने लगी, मेरा नाम उर्वशी है, मैं गांव से हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है। वह मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से कराना चाहते थे। मेरे पापा उस बूढ़े आदमी से प्रॉपर्टी की लालच में मेरी शादी उससे कराना चाहते थे, ताकि मेरी शादी के बाद वह ऐशो आराम उनको मिल सके। मैंने अपने माँ बाप के पांव पड़े, लेकिन उन्होंने मुझ पर रहम ना किया और मुझे घर से निकाल दिया। वह अपनी आप बीती अपना दर्द मुझे सुनाती और सिसकिया में रोने लगी। मैंने उससे अपने सीने से लगा लिया और तसल्ली दी कि बेटी, ईश्वर तुम्हारे माँ बाप को सही राह दिखाए। आ जाओ तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाऊंगी और उनको समझाऊंगी। मैंने उर्वशी को वहाँ से अपने साथ लिया और अपनी बहन के घर आ गई। मेरी बहन ने मुझे उर्वशी के बारे में पूछा। मैंने उससे सारी बात सुना दी जो मुझे उर्वशी ने बताई। वह भी जवान लड़की पर तरस भरी निगाहों से देखने लगी। मेरी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन मुझे उर्वशी को देखकर बेहताशा दुख हुआ। मैं अगली सुबह उसके बताए एड्रेस पर उसे ले पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया तो वहां से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। उर्वशी उसे देखते ही मेरे पीछे छुप गई। मैंने उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तो उर्वशी ने इनकार किया और उस नौजवान से अपने माँ बाप के बारे में पूछने लगी। नौजवान ने हमें बताया कि वो तो कल ही गांव छोड़कर जा चुके हैं, ये मकान हमारा है। इस नौजवान की बात सुनकर उर्वशी बहुत ही दुखी हो गई और आंसू बहाने लगी। वहीं मैं भी किस्मत के सितम पर हैरान रह गई। इतनी प्यारी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैं दिल में उसके माँ बाप को सोचती और उर्वशी को अपने साथ अपने घर ले आई। मैं और उर्वशी घर आए तो मेरा बेटा भी इस वक्त दुकान से घर आया था। मेरे साथ उर्वशी को देखकर गुस्से से देखने लगा और फिर अपने छोटे से कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैं उर्वशी को अपने कमरे में बिठाया और संतोष के कमरे में चली गई। संतोष बहुत गुस्से में चीज़ उलट पुलट कर रहा था। मैंने गहरी सांस भरी। मैं जानती थी कि संतोष को लड़कियों से चिढ़ थी। वह अपने आप में रहने वाला इंसान था। मैं उसके पास
बैठी और उसे समझाने लगी, बेटा क्यों ऐसा कर रहे हो? उसने कहा कि ये लड़की कौन है जिसे आप हमारे घर ले आई हैं? मैंने उसकी बात सुनी और बोली कि बेटा वह लवारिस है, उसके माँ बाप नहीं है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई हूँ। मेरी बात सुनकर संतोष उठकर खड़ा हुआ और जाने लगा। मैंने उसे रोका तो वह बोला कि माँ आप बहुत भोली हैं, आपको क्या पता कि कैसे ये लोग फ्रॉड करते हैं, क्या पता ये लड़की भी फ्रॉड हो। अगर हमें ये लूट कर चली गई तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मैंने उसे समझाया और अपनी कसम दी। तब जाकर संतोष ने उर्वशी को घर में रखने के लिए रजामंदी दी। मैं फिर सुकून से हो गई थी कि कम से कम उर्वशी मेरे साथ रहेगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन वह कहते हैं ना कि वक्त और किस्मत का क्या पता कब बदल जाए। वक्त गुजरने लगा, पता नहीं चला, और उर्वशी को मेरे पास आए 4 महीने हो गए थे। वह मेरे साथ काम में हाथ बटाती और मेरी खूब सेवा किया करती। मुझे तो जैसे ईश्वर ने एक बेटी दे दी थी। उर्वशी मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया करती थी। रातों को उठकर मेरे पैर दबाती, उसने हर तरह से मेरा ख्याल रखा। मैं बहुत खुश थी उसे देखकर। उर्वशी के लिए मैं जितना खुश थी तो संतोष के लिए उतना परेशान थी। उर्वशी को हमारे घर रहते हुए काफी महीने हो गए थे, लेकिन फिर भी उर्वशी संतोष के सामने आने से कतराती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि वह संतोष का डर भुला दे। कुछ दिन गुजरे थे कि मैंने महसूस किया था कि अब उर्वशी संतोष को बुरी नहीं लगती थी। मैंने उसकी नजरों में पसंदीदगी देखी थी। मैंने उसे रास्ते पर लाने का सोचा। मैंने अपने मोहल्ले की रिश्ते वाली से उर्वशी के रिश्ते की बात चलाने को कहा तो उसने मेरे कहने के मुताबिक मेरे घर रिश्ता भेज दिया। रिश्ते वालों को उर्वशी पसंद आ गई थी। उन्होंने बाकायदा रस्म करने का कहा और अगले हफ्ते आने का बोलकर चले गए। पर संतोष को जब ये पता चला तो उसके गुस्से का पारा हाई होने लगा। वह फौरन मेरे कमरे में चला आया और बोला कि माँ मैं उर्वशी से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसकी बात पर उसे घूरने लगी और बोली कि तू तो उस लड़की की जिद करता है और अब कैसे शादी की बात कर रहा है। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठा और अजीब अंदाज में बोला कि उर्वशी की शादी सिर्फ मुझसे होगी, मेरे अलावा और किसी से नहीं। संतोष अपनी बात बोलता मेरे कमरे से निकलता चला गया। पीछे से मैं उसकी बातों पर मुस्कुराने लगी। संतोष तो मान गया था, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला उर्वशी की रजामंदी का था। मैं जानती थी कि वह शुरू से ही संतोष से दूर दूर रहती थी, इसलिए उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना बहुत बड़ा फैसला था। मैं अगली सुबह उर्वशी को अपने पास बुलाकर बिठाया और शांति से उसे समझाने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? मेरी बात पर उर्वशी ने झटके से सर उठाया, जैसे उसे करंट लगा हो। वो नहीं, मैं सर हिलाने लगी। शायद उर्वशी अब भी संतोष से डरती थी। मैंने उसे समझाया कि संतोष बुरा नहीं है, बस अपनी फूफी की वजह से उसे लड़कियों से नफरत है। उसकी फूफी ने बहुत बुरा काम किया था, जिस पर खानदान ने उसे बेदखल कर दिया था। संतोष भी उन्हीं का खून है। वह बस औरत के किरदार को नहीं समझ पाता, इसलिए दूर रहता है। मेरी बातों से उसके दिल में बसा डर संतोष के लिए ख़त्म हुआ। मैंने उससे वादा किया कि कभी उसके साथ ना इंसाफी नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर वह मेरे गले लग गई और बोली, मैं आपको कैसे इनकार कर सकती हूँ? माँ आप तो मेरी रहनुमा हो, आपने तो एहसास किया था, मेरा साथ दिया था जब मेरे अपने माँ बाप मुझे छोड़ चुके थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि उर्वशी मेरे बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो गई। अगले मंगलवार को मैंने दोनों की शादी कर दी और मैं बहुत खुश थी कि ईश्वर ने मुझे ऐसी नेक सीरत वाली बहू दी। मैंने शादी ज़्यादा धूमधाम से तो नहीं की, लेकिन बहुत खुशी से की। मोहल्ले के सभी घरों में दावत दी थी और उनको भी अपने घर की पहली खुशी में शामिल किया था। शादी के बाद ही संतोष ने उर्वशी का बहुत ख्याल रखा और वह उसके खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखता था। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, वह थी उर्वशी की सेहत। उर्वशी की कमजोरी बढ़ती ही जा रही थी। वो थोड़ा सा घर का काम भी करती तो बहुत थक जाती। मैंने हर
नुस्खा अजमा लिया था, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। उर्वशी की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरी बहू बहुत खूबसूरत थी, उसकी नीली आंखें किसी को भी अपनी तरफ कैद कर लें ऐसी थी। संतोष उर्वशी से उम्र में थोड़ा बड़ा था, लेकिन वह उर्वशी का पूरा ख्याल रखता था। मुझे याद है शादी का वह दिन जब मेरी बहू दुल्हन बनकर मेरे घर में आई। मैं बहुत खुश थी। मेरी बहू बहुत ही सलीकेदार थी। शादी के बाद उसने मुझे कोई परेशानी नहीं दी, बल्कि खामोश रहने लगी। जो काम है उसे करने का ही कहती, वह खामोशी से कर देती और फिर रूम में चली जाती। मुझे उसकी फिक्र रहने लगी। मैंने काफ़ी डॉक्टर से भी उसकी दवाइयाँ ली, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बहू की सेहत गिरती जा रही थी। मेरा बेटा दुकान से घर आया तो मैंने उससे बहू की तबीयत का बताया, जो सुबह से ही अपने कमरे में सो रही थी। मेरा बेटा बहू के कमरे में गया और उसे उठाकर बैठाया। वह बहुत कमज़ोर हालात में थी। मेरे बेटे ने फौरन उसे पानी का गिलास पिलाया। ये उसकी शादी के तीसरे दिन से ही मामूल था। मुझे उस पर शक रहने लगा। वह रोज़ मेरी बहू को पानी का गिलास पिलाता और उसे छत पर ले जाता। मैं बहुत हैरान थी और उससे पूछा करती, लेकिन वह कोई ना कोई बहाना बना देता। मैंने भी सोचा कि वह पति है, उसका कुछ गलत तो नहीं करेगा। ऐसे ही एक दिन मैं और मेरी बहू हॉल में बैठे थे, वह अचानक बेहोश हो गई। घर में मेरा बेटा मौजूद नहीं था। मैं परेशान के आलम में उसे फ़ोन करके बुलाया। मेरा बेटा उसे अस्पताल ले जाने के लिए भागा। मेरी बहू को डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि ये बस दिमागी स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है। मेरा बेटा बहू को घर ले आया। मैंने बहू के लिए फ्रूट्स का जूस बनाया और कमरे में चली आई। मैं आई तो संतोष उर्वशी को कोई तावीज़ पहना रहा था। मैंने जूस का गिलास साइड पर रखा और उससे तावीज़ के बारे में पूछने लगी। मैंने पूछा, संतोष ये उर्वशी को क्या पहना रहे हो? तो वो बोला, माँ देखो ना, उर्वशी आए दिन बीमार रहती है और कमज़ोर भी होती जा रही है, इसलिए मैंने बाबा साहब से इसके लिए ये तावीज़ बनाकर लाया हूँ। ना जाने मुझे कुछ खटक रहा था, जैसे संतोष कुछ छिपा रहा हो। मैंने ज़्यादा बात को कुरेदने की कोशिश नहीं की और उर्वशी के साइड में बैठकर कुछ पढ़ने लगी। मैंने तमाम बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया। उस वक्त सिर्फ उर्वशी की सेहत अहम थी। अगले दिन तक उर्वशी की तबीयत कुछ बेहतर थी। मैं दोपहर को अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि संतोष दाल की थैली बाहर लेकर जा रहा था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि क्यों संतोष ऐसा करता है। संतोष की शादी के कुछ दिनों बाद से ही उसकी ये रूटीन थी कि वह हर सोमवार के दिन दाल की थैली लेकर कहीं जाता। मैं बहुत बार उससे पूछ चुकी थी, संतोष तुम ये दाल कहाँ लेकर जाते हो? वह कहता कि माँ बस किसी को ज़रूरत है, फिर इसी तरह की हरकतें करता। उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह कुछ गलत कर रहा है। आज रविवार का दिन था, संतोष घर ही था। मैं किचन से निकल रही थी कि मैंने देखा कि संतोष उर्वशी को अपने साथ लिए छत पर जा रहा था। पहले मैंने सोचा शायद पति पत्नी की कुछ प्राइवेसी होती है, इसलिए अकेले रहना चाहते हैं, तो मैं भी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं सोचा। लेकिन अब तो रोज़ ही संतोष उर्वशी को छत पर ले जाता था। मेरी छठी इंद्री ने कुछ गलत होने का इशारा किया। मैं भी फौरन उसके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मैं जैसे ही छत पर पहुंची और जो नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मेरे सामने ही संतोष ने उर्वशी को एक गोल से घेरे में लेटाया हुआ था, लेकिन मेरी रूह ये देखकर फना हो गई कि उर्वशी होश में नहीं थी। उसकी आंखें बंद थी और संतोष उसके सामने बैठा कुछ पढ़ रहा था। संतोष ने कुछ पढ़कर उर्वशी पर फूंका और देखते ही देखते उर्वशी का वजूद हवाओं में था। उस मंजर को देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी चीखने की आवाज़ पर संतोष ने मेरी तरफ देखा तो उसकी रंगत पीली पड़ गई। उसने कहा, सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैं उसके सामने आई, जोर जोर से थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और वो नीचे गिर गया। वह बहुत पागल सा लग रहा था। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वह उठ खड़ा हुआ। वो अभी कुछ बोलने खड़ा हुआ कि मैंने उससे कहा कि
बेगैरत इंसान, ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मजलूम के साथ इतना घिनौना खेल खेलते हुए? अभी के अभी उर्वशी को ठीक करो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे औलाद हो। उसने फौरन ही कुछ पढ़ा और उर्वशी के वजूद पर फूका। मैंने पूछा, अब बताओगे भी या ऐसे ही मूर्ति बनकर खड़े रहोगे? मेरी बात सुनकर वो रोने लगा और सारी बात बताने लगा। मैं खामोशी से उसे सुन रही थी। संतोष कहने लगा, मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे उसमें अजीब सी कशिश महसूस हुई। मैं खुद को रोकने की कोशिश की उसके करीब जाने से, लेकिन नाकाम रहा। शादी के बाद मुझे जैसे मौका मिल गया अपनी चाहत पूरी करने का। आखिर कब तक ऐसे जिंदगी गुजारता? मैं थक चुका था। मैं पिछले 6 महीने से ये किताब पढ़ रहा था जो कि जादुई किताब थी। इसमें पढ़ता था कि किस तरह 50 दिन का ये अमल से और कब्रिस्तान में दाल डालने से किसी भी इंसान को काबू किया जा सकता है। मैंने इसमें पढ़ा था कि अगर कोई लड़की शादी में आ जाए तो उसकी ताकत कैसे हासिल कर सकते हैं। यही अमल मैंने किया और उर्वशी कमज़ोर होती गई। मैं उससे रोज़ अमल किया हुआ पानी पिलाता और उसकी तबीयत ख़राब होती जाती। उसकी ताकत मुझ में समाने लगी थी। मैं बस किसी तरह से ताकतवर बनना चाहता था। संतोष की सारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये मेरा बेटा है। मैंने दोबारा उसे थप्पड़ से लाल किया और बोली, ज़रूर कोई गुनाह किया था जो तुझ जैसा बेटा मिला। मैं उसे बोलकर उर्वशी के पास आई जो अब भी बेहोश थी। मैंने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार उसे होश में लाया। उर्वशी को जब मैंने सब बताया तो वह रोते हुए मेरे सीने में छिप गई। मैं भी उसके दुख में साथ थी और उसके साथ रोने लगी। आखिर हम दोनों को ही धोखा मिला था। मैंने उर्वशी को लिया और अपने घर से निकलती चली गई। संतोष हमारे पीछे आया, लेकिन मैंने धमकी दी और उसे वापस भेज दिया। मैं नहीं चाहती थी कि संतोष के साथ उर्वशी को रख कर किसी और गुनाह की हिस्सेदार बनूं। मैंने उर्वशी को उस हादसे से बचा लिया और अपने मतलब परस्त बेटे को हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, कभी-कभी हम किसी की भलाई के चक्कर में उस शख्स को एक ऐसी खाई में ढकेल देते हैं जहां से वापसी पर जिंदगी की जमानत भी बाकी नहीं रहती। अपने गैरों का फर्क मिट जाता है, रह जाता है तो सिर्फ मतलबी इंसान ताकत के नशे में धुत रिश्तों की पहचान को खो देता है। अज्ञानता में इंसान गलत रास्ते पर चल पड़ता है जो कि उसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझ के फैसला लो। किसी भी चीज़ पे अंधा विश्वास मत करो। धन्यवाद।